एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 6 से डिवाइड दिया हुआ है, और यहाँ 6 नंबर से 10 नंबर तक इसको डिवाइड करना है, और ये डेसिमल वाला डिवाइड है। तो डेसिमल वाला डिवाइड कैसे बनाया जाता है हम लोग सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने 6 और 7 पार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना है, 4, और यहाँ लिखा हुआ है 17.2। तो डिवाइड में आपको ये नहीं करना है जैसे मल्टीप्लाई में आप किए थे कि बाद में आप पॉइंट लगाए थे, उस तरह से नहीं करना है, क्योंकि डिवाइड में वैसा करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ वैसा नियम नहीं चलता जिसमें पूरा पूरा पूरी कट जाता है, उसमें आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन पूरा कटेगा और कौन पूरा नहीं कटेगा, इसलिए वो नियम ही नहीं चलना है, इसीलिए सिंपली आपको पॉइंट लगा के रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम लोग, 16 हो गया, 1 बचा, अब हम लोग ये कट गया, अब हम लोग पॉइंट वाला नंबर लेंगे तो हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, पॉइंट लगा देना है, और 4 3 जा 12 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको लेते हैं, 3 से डिवाइड करना है, 125.4 सेंटीमीटर में है, इसका आंसर जब आएगा सेंटीमीटर लगा देंगे। यहाँ पे 3 4 जा, फर्स्ट में 4 से गया, 12 कट गया, ये 5 नीचे आया, 3 1 जा 1 बार में जाएगा, 3 2 बच गया, अब हम पॉइंट वाला नंबर लेंगे 4 पॉइंट वाला, तो यहाँ पॉइंट दे दिए, 3 8 जा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 8 जा 24, ये कट गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 41.8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, डिवाइड का 8 और 9 पार्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग पहले लिख लेंगे उसके बाद करेंगे इसको डिवाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट में कितना जाएगा, 8 2 जा 16 होता है, उतने ही बार में जाएगा, 2 बार में 16, यहाँ पे 2 बच गया, ये कट गया, और अब हम पॉइंट वाला नंबर लेंगे 6, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 8 3 जा 24 होता है, 3 बार में जाएंगे, 24, कितना बार, कितना बच गया, ये 2 बच गया, कट गया ये, अब यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो 8 3 जा 24 कम्प्लीटली ये कट गया। तो 2.33 क्या है, मीटर, तो मीटर में आंसर इसको दे देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से इसको, तो यहाँ पे इससे छोटा ये है, तो फर्स्ट बार में ही हम लोग को पॉइंट से पार जाना होगा, तो सबसे पहले ही 0 पॉइंट लगा देते हैं, और 3 का टेबल पढ़ने से 20, तो 3 6 जा 18 आएगा, 6 जा 18 कितने बची है, 2 बची है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो कितने बार में जाएगा, 28 है, तो 3 9 जा 27 होता है, 3 9 जा 27, तो 1 बच गया, ये कट गया, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, और ये कम्प्लीटली कट गया। इसका कितना आ गया, 0.694 किलोमीटर है, तो किलोमीटर दे देते हैं इसको, और यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसमें, डिवाइड का ये लास्ट पार्ट 10 है, और इसको डिवाइड करना है, कितना बार में जाएगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, बच गया 2, ये कट गया, पॉइंट वाला नंबर हम लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, और ये 4, तो 5 4 जा 20 हो जा रहा है, तो 20 ले लिए, अब यहाँ पे ये 4 बच गया, ये कट गया, तो पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 5 8 जा 40, तो ये कम्प्लीटली कट गया, कितना बार में, 2.48 किलोमीटर आ गया, तो ये किलोमीटर में लिख देते हैं, और यही इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।